या प्लीज आप ये कैप्सूल खाना बंद कर दीजिए, फुल स्टॉप। इससे आपकी हाइट नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। कोयल, मेरा हाथों में बहुत जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है। ये क्या, ये लाल लाल निशान कैसे हैं? पापा, आपने कैलेंडर को साइन किया? मैं आपको कल से बोल रहा हूँ। क्या कल से बोल रहा हूँ? अगर तूने बोला होता तो मुझे याद नहीं रहता क्या? इसमें साफ क्लियर कट लिखा हुआ है, इसको खाने के बाद थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी होता है। सुन जरा। सुनाओ जी, यहाँ आसपास कोई शादी होने वाली है क्या? शादी? हाय रब्बा, ओ जी वो डेट फिक्स नहीं है, बाकी सारा मामला फिक्स है जी। ओए किथे छेती ले चल सानू। ओ जी ये रही। कौन है कस्तूरी जी? हेलो, मैं हूँ जी बिट्टू, शादी की वीडियो शूट करता हूँ जी मैं। सॉरी जी, मेरी शादी तो हो चुकी है, रनिंग सक्सेसफुली। इतना स्लो क्यों चल रहा है? कौन है ये जो चलने में इतना स्लो है? यही तो मेरा वो है। मम्मी। हाय। तू है इसके सपनों का राजा और ये तेरे सपनों की रानी? नहीं, ये झूठ बोल रही है। हम बाबूजी के नौकर हैं और ये चोपड़ा साहब की नौकरानी। अरे बिट्टू बॉस, वेलकम टू चिड़िया घर सर। वैसे आपके फिल्म का प्रोमो बहुत अच्छा है। बिट्टू बॉस। हाँ बिट्टू बॉस, देखा है। फिल्म भी बहुत अच्छी है। हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने घर से 13 अप्रैल को यानी ये फ्राइडे को निकलकर आप सब अपने सिनेमा घर में जाके ये फिल्म देखें, बहुत एंजॉय करेंगे आप। लाओ टिकट। गधा प्रसाद चुप कर, गधा है। आएंगे, हम जरूर आएंगे। मुझे टिकट तो मिल जाएगी। एक गल दस दो, इन दोनों की शादी वादी आज नहीं हो सकती है क्या? नहीं, आज हमको बहुत काम है, खाना बनाना है। शादी कैसे हो सकती है? अभी तो जान पहचान हो रही है ना, अभी प्री प्रोडक्शन चल रही है। चल बिट्टू। अच्छा डोए, वो बिट्टू बिना वीडियो रिकॉर्ड करे कहीं से नहीं जाता है। और बिट्टू ना चिड़िया घर की खुशियां कैप्चर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। चिड़िया घर, कुछ भी। एक तरफ बच्चे हर बात पे सवाल पूछते हैं, कॉमा, दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब हर बात का जवाब मांगते हैं, डॉट डॉट डॉट। एक टीचर की जिंदगी ऐसे ही सवाल और जवाब में गुजर जाती है, डॉट डॉट डॉट। मयूरी के पास भी एक सवाल है, तुम उसका जवाब दोगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो, बोलो ना। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, कॉमा, तुम मोर की तरह नाचती हो, कॉमा, तुम बहुत सुंदर हो, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो तुम मयूरी के सवाल का जवाब दोगे ना? हाँ बाबा दूंगा। फुल स्टॉप। सुनो ना, जीत जी के हाथों में जलन, पैरों में दर्द और कमर में परमानेंट खुजली हो रही है। अब तो याददाश्त भी जाने लगी है। मयूरी, मुझे भी भैया की चिंता है। फुल स्टॉप। लेकिन भैया तो बस मुझे हराने की जिद पकड़े बैठे हैं। डॉट डॉट डॉट। अच्छा, भाभी ने बाबूजी से बात की? क्वेश्चन मार्क। जीत जी बाबूजी को परेशान नहीं करना चाहते। मैं बाबूजी से बात करूं? नहीं, जीत जी बुरा मान जाएंगे। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब हमें हर कीमत पर देना ही पड़ता है। डॉट डॉट डॉट। अरे वाह, मयूरी को तो पता ही नहीं था कि जिंदगी भी सवाल पूछती है। जिंदगी के सवाल स्कूली बच्चों के सवालों जैसे नहीं होते, इन्हें टाल मटोल करके हंसी में उड़ा दिया जाए। तुम डॉट 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 लगाना भूल गए। ओह हाँ, डॉट 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 डॉट। इधर आराम आराम। ले भाई घोटक, आ गया तेरा चिड़ियाघर। अब मैं चलता हूँ। अरे आ गया, कैसे आप भाई साहब? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊँ भाभी जी, अगर आज मैं साथ में नहीं आता ना तो घोटक किसी और के घर चला जाता। मुझसे चिड़ियाघर का पता पूछ रहा था। अब बताइए, अपने घर का पता कोई भूलता है क्या? और तो और भागलपुर मेल में धौलपुर पैसेंजर का चार्ट लेके चढ़ गया। क्या हो गया इसे? गिल्लू की एग्जाम है ना, तो बहुत टेंशन हो गया इन्हें। अच्छा अच्छा, अपना गिल्लू IAS का एग्जाम दे रहा है क्या? तेरा हो गया तिवारी, अब जाना एग्जाम, बहुत टेंशन है। अच्छा भाभी जी नमस्ते। और कोयल, एक फर्स्ट क्लास मसालेदार गर्मा गर्म चाय 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 पिला दो ना। चाय अच्छी तरह से याद है। सर मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। नहीं सर, क्या है ना, मेरी बॉडी की पटरी का रिपेयर वर्क चल रहा है। काट दिया? ये सब ना उस इम्पोर्टेड कैप्सूल्स की वजह से हो रहा है, उसी का साइड इफेक्ट है। कौन से कैप्सूल्स? वो भी भूल गए जो पिछले 3 हफ्ते से आप खा रहे हो, वो कैप्सूल्स। और आज के बाद वो इम्पोर्टेड कैप्सूल्स बंद, देसी तेल बंद और बाल्टी लिफ्टिंग भी बंद। और आप गोमुख भैया के साथ पंजा नहीं लड़ाएंगे बस। देखो कोयल, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर भले हो गई हो, लेकिन गोमुख को दिया हुआ चैलेंज मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं मुख हरिओम बेटा, अपने आप को संभाल बेटा, अपने आप को संभाल। हाँ। बेटा समझता क्यों नहीं है, मुकाबला बराबर वालों में होता है बेटा। कल को एक चूहा खड़ा होकर अगर ताकत और शेर को ललकारेगा तो ये चूहे की हिम्मत नहीं, उसकी बेवकूफी कहलाएगी। अरे वाह बाबूजी, आपने मुझे शेर कहा। हरिओम हरिओम। नहीं, चूहा का। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए। डॉट 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 डॉट। तो गोमुख है ना मेरा भाई, आज से मुझे किसी देसी तेल या इंपोर्टेड कैप्सूल की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितनी भी ताकत है, मैं उतनी ताकत से तेरे साथ लड़ूंगा। और सुन, ये हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ खोल दे गोमुख, खोल दे अपने हाथ। लड़ने के लिए तैयार हो जा तू। अब खुजली कर लो पहले। डॉट डॉट। हाँ चल चल, खुजली हो गई, चल। मुकाबले की तारीख याद है ना गोमुख? याद है भैया। फुल स्टॉप। शाम का जगह है आंगन। हाँ, और खेल पंजा लड़ाना। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद। आपसे एक बात कहूँ? कल अगर आप हार भी जाते हो तो कोई नई बात नहीं है, आप मेरे लिए हीरो नंबर 1 रहोगे। लव यू बेटा। लव यू टू पापा। गुड नाइट मेरे हीरो नंबर 1। गुड नाइट। ये छपरा मेल कल राजधानी से मुकाबला करेगी। छपरा मेल जब प्लेटफॉर्म पे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है तो उसे राजधानी से मुकाबला करने की क्या जरूरत है। देखिए, आप अपनी इस हालत पे खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे आपको देखकर रोना आ रहा है। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? किस लिए कर रहे हो? अपने गिल्लू के लिए। आज तक ये सब मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन अब अपने बेटे की नजरों में मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जीत मुश्किल जरूर है कोयल, लेकिन कोशिश किए बिना हार मुझे मंजूर नहीं। प्लीज मुझे रोको मत। क्या सोच रहे हो? यही कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? क्वेश्चन मार्क। झूठ, तुम कल के मुकाबले के बारे में सोच रहे हो, है ना? हाँ मयूरी, कॉमा। मयूरी, आम खेल और जिंदगी के खेल में बहुत फर्क है। फुल स्टॉप। जहाँ हर खेल अपने रूल्स के मुताबिक खेला जाता है, वहीं जिंदगी के खेल को बिना रूल्स के ही खेलना पड़ता है। डॉट 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 डॉट। पता ही नहीं चलता कहाँ आप सही खेले, कहाँ गलत। फुल स्टॉप। और फाइनली जिसे आप अपनी जीत समझते हैं तो कभी कभी असल में आपकी हार होती है। फुल स्टॉप। मयूरी, तुम्हारी गहरी बात सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड हुई, पर ये अलग बात है कि मयूरी को कुछ समझ में नहीं आया। शाबाश बेटा, खूब मन लगा के लड़ना। जी बाबूजी। बाबूजी, पंजा तो हाथ से लड़ाते हैं ना। हरिओम हरिओम। बात तो तेरी सही है गधा प्रसाद। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुनो ना, अगर तुम बाय चांस हारने लगो तो नजरें उठा के मयूरी की तरफ एक बार देख लेना, तुम्हें अपने आप ताकत मिल जाएगी। अगर आपका हाथ नीचे जाए तो मेरी तरफ नहीं देखूंगा। पिछली बार तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा था, इसमें गोमुख बाजी मार गया, लेकिन इस बार नहीं हारूंगा। चल कपी, शुरू कर। गुड लक भैया। थैंक यू कपी। आजा गोमुख। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भैया। शुरू कर। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। जितना भी दिखा दे दम है, जितना भी लगा ले दम है, जितना भी दिखा दे दम है, जितना भी। मुझे देखो, मुझे देखो। है जितना भी दिखा दे दम है, जितना भी लगा जोर लगा के हैशा हैशा जोर लगा के हैशा 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 जोर लगा के हैशा है। भैया जोर लगाइए। बाबूजी, क्या वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? बात तो तेरी सही है बेटा। लगता है कि काफी और घोटक की मेहनत रंग ला रही है। लगा ले दम है, जितना भी दिखा दे दम है, जितना भी लगा ले। लगा के हैशा हैशा जोर लगा के हैशा जोर लगा के हैशा हैशा जोर लगा के हैशा हे भैया गोमुख, आज मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच जीतने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आपको खुश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। You are the champion, पापा। Thank you, बेटा। चाचू, आपको पहली बार हारते हुए देखकर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, होता है। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। भैया हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं आपकी जीत को। चलो 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 भैया भैया बाबूजी इधर पर आओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाबूजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। बेटा तुम्हारी नई जनरेशन के पास अगर बहुत समझदारी है तो हमारी पुरानी जनरेशन के पास उतना ही ज्यादा तजुर्बा है। तू घोटक से जानबूझ के हारा है ना? बोल। हाँ बाबूजी, फुल स्टॉप। बाबूजी मैंने आज तक घोटक भैया के साथ हर खेल को खेल की तरह से खेला, सिर्फ अपनी जीत और उनकी हार के नजरिए से। मैंने कभी घोटक भैया की फीलिंग्स को जानने या समझने की कोशिश नहीं की। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि घोटक भैया एक बार जीतने की खुशी को महसूस करना चाहते। आज घोटक भैया जीत गए बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। डॉट 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 यकीन मानिए बाबूजी, इतनी खुशी मुझे आज तक उन सारी जीत को मिलाकर नहीं हुई है जितनी खुशी मुझे इस हार ने दे दी। फुल स्टॉप। मैं तो सिर्फ एक खेल जीता हूं, लेकिन तूने तो मेरा दिल जीत लिया मेरे भाई। अरे एक छोटे से खेल को जीतने के लिए तू अपनी जिंदगी से ही खेलने निकल पड़ा बेटा। ये बेवकूफ कपी जो जो कहता गया तू बिना सोचे समझे करता गया। बेटा तू तो कपी से भी बड़ा बेवकूफ निकला। क्या कपी महाराज, अपने दोस्त के लिए क्या सोच रखा है बताइए। ये तूने मेरा क्या हाल कर दिया पपी। कपी कपी। अरे हाँ कपी, पहली बार तूने पढ़ने में गलती कर दी, इस बार क्या हुआ? भैया इस बार मैंने सुनने में गलती कर दी। मेरा दोस्त साफ साफ कह रहा था कि ये दवाई 30 से ऊपर वालों को नहीं देनी चाहिए, इसलिए वो गलती हो गई। वो 30 से ज्यादा उम्र वालों की बात कर रहा था और ये समझा कि 30 दिन से ज्यादा ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। माफी मांग दोनों भाइयों से। जा जल्दी जा। सॉरी घोटक भैया, प्लीज। सॉरी गोमुख भैया। और तुम दोनों मुझसे माफी मांगो। वो क्यों बाबूजी? वो इसलिए कि तुम दोनों ने मेरा लिखा हुआ मुहावरा पढ़ा तक नहीं। बाबूजी ये क्यों? ये इसलिए कि तूने मुहावरा पढ़ा लेकिन समझा नहीं। अगर तुम दोनों ने वो मुहावरा पढ़ लिया होता बेटा तो आज मेरा बोर्ड कहां गया? ये रहा। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा गधा प्रसाद ये उल्टा है, सीधा कर। सारी ही। अबे गधे उल्टा है, उल्टा सीधा कर। रहने दीजिए बाबूजी, मुझे मुहावरा समझ में आ गया। बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। तो मेरे भाई तुझे मेरी दोस्ती मंजूर है या नहीं? भाई तुझे मेरी दोस्ती मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है भाई। हाँ? I mean, भैया। हरिओम हरिओम For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.